अर्जेंटम नाइट्रिकम या सिल्वर नाइट्रेट, जी हाँ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एज अ होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम दोस्तों। पिछली सीरीज के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, होम्योपैथिक ड्रग क्या होता है और उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, और हमने लाइकोपोडियम के बारे में देखा। आज अर्जेंटम नाइट्रिकम या सिल्वर नाइट्रेट की बहुत ही डीप एक्टिंग होम्योपैथिक ड्रग है, जो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम एज अ पर्सन, और जब वो पर्सन पेशेंट में तब्दील होता है और कैसे होता है ये हम जानेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसे लोगों के अंदर काम ज्यादा आती है, या अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे लोगों में अपना रंग बहुत अच्छा दिखाती है जो अपने एज से ज्यादा ओल्ड दिखते हो। हम उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एजिंग। ये लाइकोपोडियम के अंदर भी है, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। यदि फॉर एग्जांपल मेरी एज 40 साल है तो मैं दिखता हूं 45 या 50 साल का, और उनकी जो स्किन है इट इज मोर ड्राइड अप स्किन, ड्राई स्किन नहीं, ड्राइड अप स्किन, और विदर यानी बूढ़ा, अपने एज से थोड़ा सा बूढ़ा दिखने वाले। वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रेमेडीज इन मेट्रेमेडी का है, जैसे लाइकोपोडियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ट्यूबोक्लिनम है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं और अक्सर अपने वो मकाम में रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के वो मकाम में रहते हैं जहां इंटेलेक्चुअल काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा ऐसा सच नहीं, वो बांध गांड बांध के नहीं बैठते, बट चिड़ जाते हैं जल्दी से, उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्जेंटम नाइट्रिकम का है मेंटल स्टेट के अंदर, वो है नर्वसनेस और अप्रिहेंशन, मतलब डर, एक अंदरूनी डर रहता है, और उस डर के वजह से उन लोग कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हैं। यानी एक काम का सपोज 30 तारीख आखिरी तारीख है, अर्जेंटम नाइट्रिकम 20 तारीख को पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, वो डर से कि शायद अगर नहीं हुआ तो, शायद अगर नहीं हुआ तो। हमेशा अर्जेंटम नाइट्रिकम अपने काम को सबसे अच्छी तरीके से अंजाम देने का वो प्रयास करता है, और उसको एक डर बहुत रहती है, आई शुड नॉट फेल। ये सेम चीज कार्सिनोजन में भी रहता है, आई शुड नॉट फेल, मैं सेकेंड नहीं होना चाहिए किसी से। तो वो अप्रिहेंसिव एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है। यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम को एग्जाम देने जाना है तो पहले वो 2-3 बार लैट्रिन चले जाएगा, अप्रिहेंसिव डायरिया बोलते हैं उसको। लैट्रिन भले लूज नहीं होगी लेकिन उसको बार बार जाना पड़ेगा, जब तक वो लैट्रिन जाएगा नहीं, भाषण देने से पहले, स्टेज फ्राइट के लिए, या कोई भी नया काम करने से पहले उसको एक घबराहट रहती है और डायरियल टेंडेंसी होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत इंटेलिजेंट रहता है लेकिन इंपल्सिवनेस बहुत ज्यादा है, मतलब बोल पहले देता है और सोचता बाद में, लाइक नक्सोमी का, ये बहुत है। फिर उसको खराब भी बहुत लगता है अगर गलत चीज निकल गया तो। हरीड, जैसे सपोज स्टेशन के ऊपर आपको टिकट खरीदना है, या थिएटर के बाजू में कोई टिकट, बाहर टिकट खरीदना है, तो लाइन में लगना पड़ता है, ऑब्वियस है। अर्जेंटम नाइट्रिकम उसके धैर्य नहीं रहता कि वो ट्रेन में, उसको कोई भी काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। हरीड एंड वरीड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज अर्जेंटम नाइट्रिकम, और उसको क्राउड्स में जाने से बहुत भय है। अकेले और या गिने चुने 2-4 लोगों से ठीक है, लेकिन क्राउड्स में नहीं। उसको ठंडक ज्यादा पसंद नहीं है, नॉट दैट कि उसको ठंडी से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ठंडक ज्यादा पसंद नहीं, गर्म तो भी चल जाएगा। जनरली डायरियल टेंडेंसी होती है, एक तो नर्वस डायरिया होता है, यानी जरा भी मेंटल टेंशन आया तो लूज मोशंस चल, और बहुत बार फास्फोरस जैसे उसको लैट्रिन के अंदर थोड़ा बहुत खून भी जा सकता है। उसकी लैट्रिन अक्सर ग्रीन कलर की होती है, ग्रीनिश डायरिया होता है उसको। इट इज वन ऑफ द रेमेडीज हु एक्सेसिवली डिजायर शुगर, मीठा तो चाहिए ही चाहिए, अगर मीठा ही रहा तो भी चलता है हमको, खाना खाने के बाद मीठा नहीं रहा तो हम ऐसा लगता है कि हमने खाना ही नहीं खाया, भले हम डायबिटिक हो, भले कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत मीठा चाहिए ही चाहिए। और कोई भी कंप्लेंट
अच्छी होती है फ्रेश एयर में जाने के, यानी बंद कमरे में से ज्यादा फ्रेश एयर खुली हवा के अंदर उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स अच्छी हो जाती है या ठीक हो जाता है, या आर्जेंट मैट्रिकम को ठीक अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है। अगर ऐसे इंसान को लॉन्ग टर्म मेंटल एग्जर्शन हुआ, कोई ऐसा एग्जर्शन जो वो झेल नहीं पाता, नॉर्मली क्या है आर्जेंट मैट्रिकम बड़ा सिंसियर इंसान रहता है, तो ऑफिस के अंदर सपोज 10 लोग रहे और उनको पता चल गया कि भाई ये बंदा सिंसियर है, तो सब लोग क्या है कि थोपते हैं काम, और ये किसी को मना नहीं कर सकता, किसी को ना नहीं बोल सकता। आर्जेंट नाइट्रिकम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फास्फोरस जैसा, कॉस्टिकम जैसा आर्जेंट नाइट्रिकम ना नहीं बोल सकता, तो वो पूरा काम अपने ऊपर लेता है और अनड्यू फिजिकल एग्जर्शन रहते रहता है, रात भर जागना, काम करना, और उसके वजह से उसको बहुत सारी परेशानी होती है। एक सबसे कॉमन परेशानी है आंख की। मोस्ट ऑफ द आई डिसऑर्डर्स के लिए आर्जेंट नाइट्रिकम इज अ फंटेस्टिक रेमेडी। जी हाँ, जब आर्जेंट नाइट्रिकम पेशेंट बन जाता है तो आंख के लिए, आंख के एलिमेंट्स यानी बार बार जिसको कंजंक्टिवाइटिस होता है या स्टाइज हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं आईलिड्स के ऊपर, उसको हम स्टाई बोलते हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी इज आर्जेंट नाइट्रिकम। माइग्रेन बहुत ही उत्तम रेमेडी है माइग्रेन के लिए, खास करके ओवर एग्जर्शन की वजह से सिर दर्द चालू हो जाता है और इतना पूरा सिर दुखता है या आधा सिर दुखेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और ऐसा लगता है बहुत सारे मल्टीपल हैमर्स, पूरा सिर किसी ने मेरे को हथौड़ी से मार रहा है, आंखों के सामने थोड़ी अंधारी आ जाती है, यह है आर्जेंटम नाइट्रिकम। खास करके फाइन वर्क अगर करना रहा, अगर कोई लेडी है जो एम्ब्रॉयडरी करती है और उसको धागे में बारीक जो काम करना है जिसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन लगता है, या कंप्यूटर पर काम करना लंबे समय तक, ऐसे लोगों को अगर माइग्रेन होता है तो सबसे पहला ड्रग हम लोग चुनते हैं वो है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंट नाइट्रिकम को GERD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जहां लंबे लंबे डकार आते हैं, बार बार डकार आते रहते हैं और गैस पास होती रहती है, और कभी कभी गैस खराब टेस्ट भी उसका रहता है। दोस्तों, आर्जेंट नाइट्रिकम गले के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। जो लोगों को, खास करके सिंगर्स जो है, वो ऊंचे टोन में नहीं गा सकते हैं, या उनके जब गाते हैं तो आवाज फटने लगता है, ऐसा लगता है कि गले के अंदर कोई तो कुछ चुभ रहा है, कुछ नोकीली चीज चुभ रही है, तो ये कंडीशन के लिए हिपरसल भी देते हैं, नाइट्रिक एसिड भी देते हैं, लेकिन आर्जेंट नाइट्रिकम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। इनफैक्ट आर्जेंट नाइट्रिकम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर कैंसर ऑल्सो ऑफ द लैरिंग्स, मतलब गले का जो हवा की नली है उसका कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। धड़धड़ हो जाना पैल्पिटेशंस के लिए, छोटी सी बात सुनी नहीं और जोर धड़धड़ चालू हो गए, यहां पर आर्जेंट नाइट्रिकम और जेलसीम हम सगे भाई भाई है, दोनों को भी सेम ही बीमारी है। कोई भी चीज मन के विपरीत हो गई कि डर शुरू हो जाता है, ढप धक 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 चालू हो जाते, सोएंगे भी तब भी उनको अपना पल्सेशन सुने आता है। आर्जेंट नाइट्रिकम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसके लिए मानी जाती है। एक खासियत आर्जेंट नाइट्रिकम के अंदर है कि जब तक वो कवर्ड नहीं है, शॉल वॉल नहीं पहनता, तब तक उसको काफी ठंडी लगती है, और जैसा शॉल पहनने लगे या ओढ़ लेने लगे या रजाई के अंदर घुस गए तो उसको ऐसा लगता है कि उसका दम निकल जाएगा, तो क्रेव्स फ्रेश है, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या करना क्या नहीं। दोस्तों, आर्जेंट नाइट्रिकम को बहुत संक्षिप्त तरीके से मैंने बताया है। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदल होम्यो सेंटर के नाम से हूं वहां पूछ सकते हैं, मुंबई में मुझे पर्सनली अगर मिलना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7620592847। मैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ आता हूं, हर महीने के पहले संडे, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। यदि आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, आप होम्योपैथी के अंदर इवॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे विंटर स्कूल जरूर अटेंड कीजिए। होम्योपैथिक विंटर स्कूल है 18 से लेकर 25 दिसंबर। यदि आप इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618। और जो भी मैं रेमेडीज बताता हूं अभी तक और आगे जो बताने वाला हूं, ये हमारी किताब है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ मायाज्म, जो डॉक्टर कासिम जिमथाना वाला सर ने लिखी है, वो अवेलेबल है अमेजोन पे। अगर आप चाहते हैं
तो अमेजोन पे जाके टेक्स्ट बुक ऑफ मायाजम टाइप कीजिए और वो जरूर खरीदिए। उसके अंदर ऐसे ही सब हमने पूरी रेमेडीज बताई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपको बहुत ही एक नया आउटलुक मिलेगा होम्योपैथी पढ़ने का और समझने का। थैंक यू वेरी मच।